हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ यूनिवर्सल जूही। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीन पियाजे ने जो थियोरी दी है, जो सिद्धांत दिया है, जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया है जीन पियाजे के बारे में, जो उनकी थियोरी है उसको और उनकी स्टेजेस को भी डिस्कस किया है। तो आज हम उनको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जीन पियाजे का सिद्धांत है। ऑप्शन है नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर वन, इसको कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये ऑप्शन कट हो गया। कोहलबर्ग की थियरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञान का क्या अर्थ होता है? हमारी जो इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक जो क्षमता होती है, जो हमारी बुद्धि है, मेमोरी है, कोई भी चीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है, वो सारी चीजें होती हैं। और आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। जो पियाजे ने चार स्टेजेस दी हैं, उनमें से सबसे पहली स्टेज है जो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दैट इज सेंसरी मोटर, उसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, या 11 से 18 वर्ष तक। तो जो पहली स्टेज पियाजे की होती है वो कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है। सेंसेस यानी कि सेंस ऑर्गन, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, स्किन एंड टंग, ये सारी जो थिंग्स हैं ये हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। जैसे पियाजे ने किसकी थ्योरी दी है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। तो उस संज्ञान का अर्थ होता है, मैंने बताया कि बौद्धिक, हमारी बुद्धि से होता है। तो बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं उसको किसने दिया है? कोहलबर्ग द्वारा, स्किनर द्वारा, एरिक्सन द्वारा, या पियाजे द्वारा? बिल्कुल, जीन पियाजे द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है और इसकी 4 विशिष्ट अवस्थाएं भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मौजूदा योजनाओं स्कीम्स में नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। स्कीम्स हमने पढ़ा है कि स्कीम्स क्या होता है। जितना भी हम अपने जो मेंटल, जो अपने दिमाग में, जो भी हम अपने एनवायरमेंट से, जो भी देख करके, सुन करके, जो भी सीखते हैं, तो अपने दिमाग में क्या करते हैं, उसको एक सीरीज वाइज फिट कर लेते हैं, जिसको स्कीम्स कहा जाता है। तो नई जानकारी रखने के रूप में जाना जाता है। कौन सी इस प्रोसेस में नई जानकारी हम लोग रखते हैं? पहला है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का क्या अर्थ होता है? एकोमोडेशन यानी कि जब हम लोग अपनी जो भी हमारी नॉलेज है, जो भी हमारी जानकारी है, उसमें परिवर्तन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। ये क्रॉस इक्विलिब्रेशन, या इसको हिंदी में साम्य धारण भी बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन की कंडीशन तब आती है जब हमारे एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ये भी नहीं है। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण किसी भी चीज को, नई जानकारी को जान करके अपने स्कीमा में फिट कर लेना। तो बिल्कुल ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा अपने आंख, कान व हाथों से सोचता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दैट वो कौन सा है? मूर्त थर्ड स्टेज है, उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। पूर्व संक्रियात्मक स्तर कौन सी है? सेकेंड स्टेज है। थर्ड है इंद्रिय जनित गामक स्तर, वो फर्स्ट स्टेज है आपकी। और फोर्थ है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ये आपकी लास्ट स्टेज है। तो इंद्रिय जनित गामक स्तर, जो सेंसरी मोटर की जो अवस्था होती है, सेंसरी, ये सेंस से ही क्लियर है कि ये किससे रिलेटेड है। इसमें बच्चे को देखिए, उसमें लैंग्वेज नहीं होती है, लैंग्वेज की एब्सेंस होती है। तो बच्चा किससे सोचता है? अपने आंख, कान, हाथों से सोचता है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो पियाजे ने जो थियरी दी है संज्ञानात्मक विकास, आइए इसके पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है भाषा, सेकंड है सामाजिक अनुभव, थर्ड है परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, और थर्ड है क्रियाकलाप, दैट इज एक्टिविटी। तो भाषा, पियाजे ने क्या कहा था? भाषा हमारी बाद में आती है।
पहले क्या आती है, सोच आती है, भाषा हमारी बाद में आती है। दूसरा है सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव, बच्चा समाज में जाएगा, तरह तरह की चीजें देखेगा, तरह तरह के लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें सोच भी आएगी, सोच भी आती है बच्चे में, तो ये ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट है परिपक्वता। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा वैसे वैसे वो सोचना और भी ज़्यादा शुरू करेगा। थर्ड है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी, बच्चे एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्रभावित नहीं करेगा, तो भाषा। भाषा ऐसी चीज़ है जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कुछ ना कुछ वो सोचना शुरू कर देता है, वो फर्स्ट स्टेज में भी सोचता है, लेकिन भाषा बच्चे में एब्सेंट रहती है, उस समय भाषा बच्चे में नहीं विकसित होती है, तो भाषा इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस चीज में भिन्न होता है बजाय किस चीज के। तो पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन, चलिए इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, मात्रा एवं प्रकार में। देखिए बच्चे जो है वयस्कों से मात्रा में उनकी सोच कमी नहीं होती है, उतना वयस्क भी सोचते हैं, बच्चा भी उतना ही सोचता है, मात्रा में कोई कमी नहीं होती है। थर्ड है आकार या मूर्त परकता। आकार, आकार ये सोच है, कोई शेप तो हमें उसे देना नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, मात्रा भी इसका गलत ऑप्शन हो गया। थर्ड जो है प्रकार एवं मात्रा, तो ये बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि देखिए जो बच्चे सोचते हैं और जैसा बड़े सोचते हैं, दोनों की थिंकिंग, दोनों की काइंड में अंतर होता है, दोनों के प्रकार में अंतर होता है, बजाय मात्रा के। मात्रा में कोई अंतर नहीं होता है, वयस्क भी, एडल्ट्स भी उतना ही सोचते हैं, बच्चे भी उतना सोचते हैं, अंतर किस में होता है, उसके प्रकार में। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन रिया वॉज 6 मंथ्स ओल्ड, जब रिया 6 महीने की थी, शी प्लेड विद अ टेडी बियर, उसने वो किससे खेलती थी, टेडी बियर के साथ खेलती थी, बट वेन शी कुड नॉट सी द बियर, लेकिन जब उसने टेडी बियर को नहीं देखा, शी डिड नॉट लुक फॉर इट, उसने उसकी खोज भी नहीं की, उसे खोजने की कोशिश भी नहीं की। नाउ रिया इज 10 मंथ्स ओल्ड, अब रिया 10 महीने की है, एंड सर्चेस फॉर द टेडी बियर वेन शी कैन नॉट सी इट, अब वो टेडी बियर को ढूंढ रही है, ढूंढती है, जब वो उसे नहीं देख पाती है तो उसे ढूंढती है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो कौन से चीज है, कौन सा ऑप्शन है, उसका कंसेप्ट है जो सही होगा। असिमिलेशन। असिमिलेशन क्या है, असिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण, जो बच्चा क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करता है, तो वो आत्मसातीकरण है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज अडाप्टेशन। अडाप्टेशन मतलब जिस एनवायरमेंट में हम लोग रहते हैं, उस एनवायरमेंट की चीजों को या फिर जो भी चीजें वहां की अडाप्ट करते हैं, क्या करते हैं, अडाप्ट करते हैं, तो वो चीज भी, ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफ्रेंशिएशन, दैट इज आत्मविभेदीकरण, जिसमें कोई आत्मविभेदीकरण जैसी कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस, दैट इज वस्तु स्थायित्व। ऑब्जेक्ट परमानेंस ऐसी चीज है जिसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे के सामने कोई भी चीज अगर आप कोई खिलौना दे दें, तो वो चीज की इमेज क्या करता है, बच्चा अपने माइंड में कैप्चर कर लेता है। अब उसके सामने से अगर आप खिलौना हटा भी देंगे तो भी बच्चे के माइंड में वो इमेज कैप्चर हो चुकी है, मतलब आ चुकी है, तो वो क्या करता है, बच्चा सोचता है कि वो चीजें एग्जिस्ट है, मतलब मौजूद है, तो वो उसे बाद में भी अगर देखेगा तो उसे वो चीज याद आ जाएगी या फिर उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा। और ये ऑब्जेक्ट परमानेंस की ये जो थिंग है वो कौन सी स्टेज में आती है, सेंसरी मोटर, दैट इज इंद्रिय गामक अवस्था में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था ये कौन सी स्टेज है हमारी, थर्ड स्टेज है, पियाजे की ये थर्ड स्टेज है, इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है एनिमिस्टिक थिंकिंग। एनिमिस्टिक थिंकिंग मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेज में, जिसमें बच्चा क्या करता है, निर्जीव चीज को भी सजीव मानने लग जाता है, मतलब कि नॉन लिविंग को भी लिविंग मानने लग जाता है। जैसे बच्चे को आप डॉल दे दीजिए तो बच्चे को क्या लगेगा, वो डॉल सच में वो लिविंग है, वो भी हमारी तरह सोच सकता है, खेल सकता है, तो इस तरीके से ये सेकेंड स्टेज का है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है। थर्ड सेकेंड है एबिलिटी टू कंजर्व, सुरक्षित रखने की योग्यता। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन हम लोगों ने थर्ड स्टेज में पढ़ा था,
कंजर्वेशन में क्या करता है बच्चा, जैसे सेकेंड स्टेज में बच्चे को लेंथ विड्थ मतलब लंबाई चौड़ाई वेट वगैरह के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन थर्ड स्टेज में बच्चा समझ जाता है कि लंबाई के अनुसार या उसके वेट के अनुसार उसकी चौड़ाई के अनुसार कैटेगराइज करने लग जाता है, मतलब क्लासिफाई वर्गीकृत कर सकता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड है हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, दैट इज परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस में है, एकदम लास्ट स्टेज में है, जो कि हमारी अमूर्त जो थिंकिंग है, क्योंकि इसमें बच्चा क्या करता है परिकल्पनाएं करने लग जाता है, हर एक तरीके से क्वेश्चन का सलूशन ढूंढने लग जाता है। तो ये आपका फोर्थ स्टेज में, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और इरिवर्सिबल थिंकिंग, इरिवर्सिबल थिंकिंग जिसमें बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है किसी चीज को, तो ये आपका सेकेंड स्टेज में आता है, जिसमें बच्चे को आप बोलेंगे 1+2=3, लेकिन अगर वही 2+1=2 बच्चे को बताएंगे तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है, एबिलिटी टू कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजी के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं जैसे अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। पियाजे के अनुसार जो उन्होंने कई सारी जो मनोवैज्ञानिक संरचनाएं दी हैं जो अनुभव से, तो हम लोगों ने इस आइए इसके ऑप्शंस पहले देखते हैं। मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान दैट इज इमेज, और मानसिक मैप मेंटल मैप। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है स्कीमा में कि बच्चा क्या करता है अपने अनुभव से जो ज्ञान होता है उसको अपने दिमाग में क्या कर लेता है, फिट कर लेता है बिल्कुल। जो उसका अनुभव होगा, जो भी अपने चारों तरफ चीजें वो देखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी सूचनाएं अपने दिमाग में क्या कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्कीमा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, कौन सा इसमें, जैसे देखिए फर्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल यानी कि क्या है इसका अर्थ, पूर्व संक्रियात्मक, जो हमारी पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक ये क्या है हमारी सेकेंड स्टेज में आती है, पियाजे की जो सेकेंड स्टेज है। तो उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है आप बताइए। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो हमारी पहली स्टेज में आती है, जिसमें क्या करता है बच्चा वस्तु स्थायित्व, अगर बच्चे के सामने वो चीज नहीं भी रहेगी तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। कंजर्वेशन अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, कंजर्वेशन क्या होता है, जिसमें बच्चा लंबाई भार मोटाई इन चीजों के आधार पर क्या करने लग जाता है, वस्तुओं को क्लासिफाई वर्गीकृत करने लग जाता है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, जो उसकी सोचने की जो क्षमता है, जो भी सोचता है उसको क्या सोचता है कि रिवर्सिबल नहीं कर पाता है, मतलब उसको उलटफेर नहीं कर पाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बच्चे को 3×2=6 बताएंगे और उसी क्वेश्चन को अगर आप 2×3=6 बताते हैं तो बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैच इट, ये देखिए इसमें हम लोगों को जैसे चार स्टेजेस हैं पियाजे की, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, तो इसमें से हम लोग इसकी ये अवस्था किस समय से किस समय तक है इसको मैच करेंगे। सेंसरी मोटर आप बताएं 7-11 ईयर्स, 11-14 ईयर्स, 0-2 ईयर्स या 2-7 ईयर्स। तो सेंसरी मोटर जो सबसे पहली अवस्था होती है, सबसे पहली स्टेज होती है, जिसमें जन्म से 2 वर्ष तक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, 0-2 ईयर्स। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक ये सेंसरी मोटर के बाद वाली स्टेज है, तो ये कौन सा होगा, 2-7 वर्ष, 2-7 वर्ष तक की अवस्था पूर्व संक्रियात्मक कहलाती है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक थर्ड स्टेज है पियाजे की, तो इसमें कौन सा सही होगा, 7-11 वर्ष तक जो होती है वो पूर्व सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नाउ नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, दैट इज अमूर्त संक्रियात्मक, जिसमें बच्चा उसकी थिंकिंग जो है अमूर्त हो जाती है, तो उसकी अवस्था कब से कब तक है, 11-14 वर्ष तक। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर जो पिछले साल के भी और कई सारी बुक से मैंने कलेक्ट किया है, ये पियाजी की जो थियोरी है इससे क्वेश्चंस आपके किसी भी टेट के अगर एग्जाम में आप देंगे, सीटेट हो या एनी टेट एग्जाम,
किसी में भी कम से कम 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चंस पक्के हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो भी मैं और सारे कोहलबर्ग पे और भी कई सारे जो मनोवैज्ञानिक है उस पर अपलोड करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और दूसरों तक शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिले। और जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।